नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे पैसों की जरूरत होती है और जैसा आजकल का माहौल है, छोटा मोटा कोर्स करने के लिए भी लोन लेने की नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर लोन रिजेक्ट हो जाए तो अच्छी पढ़ाई का सपना बिखर जाता है। तो आखिर क्यों एजुकेशन लोन में इतनी दिक्कतें आती हैं? ऐसा क्या करें कि एजुकेशन लोन रिजेक्ट ना हो, और आप कैसे तैयारी करें कि लोन को सही वक्त पर आप चुका भी सकें? और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रूंगटा। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूं स्वाति, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर। ऑल राइट सर, क्योंकि आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट जितना बच्चों के लिए है उतना इम्पोर्टेंट के पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बच्चे अपने मनपसंद की जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए पेरेंट्स को एजुकेशन लोन लेने की जरूरत पड़ती है। और इनफैक्ट कई पेरेंट्स का हमारे पास कॉल भी आया और उन्होंने जानना भी चाहा कि हम एजुकेशन लोन लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं इनफैक्ट सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन लोन लेने में रिस्क कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें कि अगर एक बैंक की नजर से एजुकेशन लोन को देखें एक बार, तो अगर आप देखिए, जब आप कोई और दूसरा लोन जब लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन मिलता है जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते हैं और उस कमाई में से वो लोन चुकाएंगे बैंक को। तो जो बैंक की एबिलिटी होती है जज करने का कि कौन सा ग्राहक लोन चुका पाएगा कौन सा नहीं चुका पाएगा, वो एक काफी कारगर एबिलिटी होती है। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जिससे कमाने की क्षमता बढ़ती है। वो स्टूडेंट वो कोर्स करेगा, उसके कमाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उस कैपेसिटी जब वो क्रिएट होगी उसमें से वो लोन चूकेगा। अब कोई भी कारण से कमाने की जो ये कैपेसिटी है अगर ये नहीं बनती है, यानी कि सपोज वो स्टूडेंट वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता, या अगर वो कंप्लीट कर भी लेता है तो भी उसे अनुकूल जॉब नहीं मिलता, अनुकूल नौकरी नहीं मिलती या बिल्कुल ही नहीं मिलती नौकरी, या अगर वो ग्रेजुएट कोर्स के लिए उसने लोन लिया है और उसे और पढ़ाई करनी है तो वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहा है जी। या कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो ओवरसीज चले जाते हैं लोन लेके और फिर उसे वापस भारत नहीं आना है, तो लोन न चुकाने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, यानी एजुकेशन लोन अगर हम बैंक की दृष्टि से देखें तो काफी रिस्की होता है। चांस ऑफ रिपेमेंट न होने के जो चांसेस हैं काफी हाई होते हैं, और ये हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो है इसमें ये देखा भी है कि काफी उनके जो है डिफॉल्ट्स हैं, इन्हीं सब कारणों के वजह से ये डिफॉल्ट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से देखें तो दुनिया में अगर कोई भी रिकग्नाइज एजुकेशन कोर्स है तो वो एक बार अगर उसमें एडमिशन मिल जाता है तो उसके बाद सिर्फ पैसे के लिए वो कोर्स नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अरेंजमेंट जो होता है सरकार करती है इस रिस्क के गारंटी देकर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसा आपने बताया कि बैंक के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो वो उनके लिए काफी रिस्की होता है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स जो कि आपने बताए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी इनफैक्ट जो एजुकेशन लोन उन्हें लेना है बाद में वो कैसे चुकाएंगे उस पर भी बैंक्स जो है काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं इनफैक्ट। लेकिन रिस्क की तो हमने बात कही है, लेकिन मुश्किल क्यों है? मुश्किल का एस्पेक्ट डिफिकल्ट इसलिए भी क्योंकि जो बाकी हम लोन्स लेते हैं उसमें बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। एजुकेशन लोन जब लेने के लिए जाते हैं तो कई तरह के सवाल भी किए जाते हैं, और क्या कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी बैंक, अगर एजुकेशन लोन लेना है सरकारी बैंक से जाके लीजिए, यहां से मत लीजिए, वहां से लीजिए, आखिरकार इतने सारे पैरामीटर्स क्यों बनाए गए इसके लिए? तो जैसे मैंने कहा कि रिस्की लोन्स हैं, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो तीन टाइप के लेंडर्स हैं इसमें। एक जो रेगुलर एजुकेशन लोन्स के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अप टू 4 लाख बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के, बिना इनकम के प्रूफ के वो लोन्स देंगे इंडियन कोर्सेज के लिए। तो अप टू 4 लाख के लिए इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत नहीं आती जब तक कि कोर्स रिकग्नाइज्ड हो। मोमेंट आपका लोन 4 लाख से ज्यादा हो गया या आपका कोर्स रिकग्नाइज्ड नहीं है
तो फिर दिक्कत आती, क्योंकि फिर बैंकें देखती हैं कि आपके पेरेंट्स पैसे कमा रहे हैं क्या, वो चुका पाएंगे क्या अगर आप नहीं चुका पाए तो। और 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप लोन लेना चाहते हैं जी, तो फिर कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होती है, कोई एग्जिस्टिंग हाउस है जो पेरेंट्स जिस घर में रह रहे हैं, या और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नॉर्मली बैंक्स इंसिस्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो नहीं दे पाते हैं वो फिर, या जिनके पेरेंट्स की इनकम आय नहीं होती वो फिर पीछे रह जाते हैं, उनको लोन जल्दी से नहीं मिलता। दूसरी तरफ ऐसे अच्छे कोर्सेज में अगर स्टूडेंट जा रहे हैं जहां पे नौकरी मिलने के चांसेस हाई हैं, तो ये जो अभी नई स्पेशलाइज्ड लेंडर्स आए हैं जैसे क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज है, अवांस, ये जो दीवान हाउसिंग वालों की सर्विस है, ये लोग इनको बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के भी लोन दे पाते हैं, और ये एक मतलब बहुत अच्छी नई सुविधा हुई है सर। इनफैक्ट क्योंकि लोन कैसे मिलेगा इस पर हमने चर्चा शुरू कर दी है, आपने कहा कि 4 लाख तक का जो एजुकेशन लोन है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब 7.5 लाख के ऊपर चला जाता है तो जो कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसमें आपने बताया कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं, और इसके परसेंटेज में जी कोई चेंज होता है, मतलब अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहां पर जो इंटरेस्ट है वो क्या बदल जाता है? तो अगर आप ये रेगुलर एजुकेशन लोन लें तो ये करीबन आज की तारीख में 11-11.5% के आसपास मिल रहा है। यही चीज अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है और इनकम पेरेंट्स की अच्छी है जिससे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेगुलर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो आज एक रेगुलर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको 10-10.25% में, अगर आपकी इनकम अच्छी है और प्रॉपर्टी अच्छी है तो 10-10.25% में एक रेगुलर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकती है। कोई भी बैंक्स इसमें बहुत एक्टिव है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत एक्टिव है। तो ये अगर आपने लोन ले लिया और इसका इस्तेमाल, बैंक से लिए हुए लोन का इस्तेमाल अगर आपने एजुकेशन के लिए किया तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आपको सिर्फ दिखाना है कि ये लोन जो मैंने लिया है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैंक से, वो मैंने एजुकेशन के लिए यूज किया है। अगर वो आप दिखा पाएंगे तो उस पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और रेट भी कम मिलेगी। रेगुलर एजुकेशन लोन आप लेंगे तो रेट ज्यादा मिलेगी। ऑलराइट, इनफैक्ट उन परिवारों के लिए हर्ष जी जो कि जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो जरूर चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि जो इनकम है फैमिली में से आपके पेरेंट्स की इनकम है वो यहां तक इतने एलिजिबिलिटी उसको क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, जैसा कि हम बाकी नॉर्मल लोन्स में भी देखते हैं? नहीं, आई थिंक बैंक्स इसके बारे में काफी फ्लेक्सिबल हैं, दोनों ही स्कीम्स में फ्लेक्सिबल हैं, चाहे वो, चूंकि मैंने कहा ना और इसीलिए रिस्की है, अगर आपकी पर्टिकुलर 7.5 लाख के ऊपर अगर लोन लेना है तो कुछ तो इनकम होनी चाहिए, लेकिन इतनी इनकम बहुत कम पेरेंट्स की होंगी जो कि अपनी इनकम से वो स्टूडेंट्स का एजुकेशन लोन चुका सके। जो नॉर्मली प्राय जो एजुकेशन लोन का रिक्वायरमेंट है और उसका जो ईएमआई बनेगा वो इतना हाई होता है कि वो आपकी एक पेरेंट की, नॉर्मल पेरेंट की आय में से उसको चुकाना बिना स्टूडेंट के एडिशनल आय के जो उसको होगी कोर्स के बाद, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आय देखी जाती है लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है कि इससे कम आय होगी तो एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। अगर एक रीजनेबल आय है आपकी तो पेरेंट्स को गारंटर तो बनाते ही हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। ऑलराइट, इनफैक्ट अब हम थोड़ा प्रोसेस की तरफ से आते हैं, थोड़ा आपने ब्रीफली बताया भी कि कहां कहां से ले सकते हैं आप एजुकेशन लोन और कोशिश कहां से की जा सकती है, क्योंकि कई पेरेंट्स बैंक में जाते हैं ड्यू टू मेनी फैक्टर जो अभी आपने बताया कि क्यों बैंक्स एक्चुअली रिस्कियर मानते हैं एजुकेशन लोन देना, लेकिन यहां पर महंगा भी तो होता होगा क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ये होगा कि ज्यादा महंगा एजुकेशन लोन हमें ना मिले, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या जहां पर ज्यादा महंगा भी ना मिले और बाद में कुछ परेशानी भी ना हो एजुकेशन लोन में? नहीं, एजुकेशन लोन्स सस्ता तो मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस रिस्क को कवर करने के लिए कॉस्ट हाई होगा।
तो क्लियरली अगर आप रेगुलर एजुकेशन लोन्स पब्लिक सेक्टर बैंक से ले रहे हैं तो रफली 11-11.5% तक का आपको कॉस्ट पड़ता है. गर्ल चिल्ड्रन के गर्ल स्टूडेंट्स के लिए कम होता है, कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए कम होता है. रफली ये कॉस्ट आप एक ध्यान में रख सकते हैं. अगर आप स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के पास जाते हैं जैसे क्रेडिला हुई, अवांस हुआ, तो वो उससे महंगा है लेकिन मिल जाता है. आई थिंक एजुकेशन लोन्स में कॉस्ट के अलावा मिलना, अवेलेबिलिटी, लोन मिलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे लाइफ चेंज हो जाती है. तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट देना आई डोंट थिंक लोग माइंड करते हैं. अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. ऑलराइट, इनफैक्ट हम दिखा भी रहे हैं कि कुछ बैंक्स के एजुकेशन लोन्स जो हैं वहां पर कितने अमाउंट तक का आप अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो कितना रेट के हिसाब से. इनफैक्ट हम बेस रेट के बारे में जी आपसे जानना चाहेंगे, जो इसके कुछ ब्रेकअप्स हैं कि आप एजुकेशन जब लोन लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से बेस रेट और जो परसेंटेज है वो कैसे डिटरमिन होता है. खैर अब बेस रेट से नहीं हो रहा है, अब तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग MCLR से बेस रेट 6 महीने पहले का फिगर है, अब तो 1 अप्रैल से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग से हो रहा है. तो टिपिकली जैसे अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो टिपिकली स्टेट बैंक का 2% अबव MCLR है और वो पर्टिकुलर अवधि का MCLR 9.10 है, तो 2% अबव है तो 11.10% हो गया. कोई सो रफली जैसे मैंने कहा रफली 11-11.5% कॉस्ट पड़ता है, डिपेंडिंग उस बैंक का MCLR कितना है, कौन सी अवधि का MCLR यूज होता है और उस पे मार्जिन कितनी है. ऑलराइट, एजुकेशन लोन के बारे में कुछ और जानकारी हम जरूर लेंगे. हर्ष रूंगटा हमारे साथ लगातार बने हुए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, तो लौटेंगे बने रहिए हमारे साथ.